नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जैसे जैसे ठंडी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले दो दिनों से सागर में सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं और पिछली रात को ही बारिश के बाद लोगों की हालत और भी बिगड़ रही है, जिसके चलते ठंडी से बचने के लिए लोगों के द्वारा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से अलाव की व्यवस्था अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण लोगों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार जगह जगह पर अलाव लगाकर ठंड से बचने का प्रयास किया जा रहा है। सागर के राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले फहीम कुरैशी बताते हैं कि पिछले दो दिन से सूरज के दर्शन देखने को नहीं मिले हैं और रात की बारिश के बाद हालत और भी बिगड़ चुकी है। ऐसे में ठंड से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय अलाव बचता है, इसलिए शहर में जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था लोगों के द्वारा स्वयं के साझे से की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कल से ठंड पड़ रही है और थोड़ी वर्षा भी हुई और आज भी सुबह से सूरज देखने को नहीं मिला, उसके बाद आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? सर्दी के बचने के लिए अलाव लगा हुआ है और जो सर्दी से बचने के लिए गलावन है, इनर जरकन, गर्म कपड़े हैं, उसका उपयोग कर रहा है। और बहुत ज़्यादा बरसात कल हुई, रात में भी बरसात हुई और दो दिन से लगभग धूप नहीं निकली, बहुत ज़्यादा सर्दी का माहौल है और अस्वस्थ स्थिति है। सर्दी का माहौल अच्छा है और दो दिन से लगातार सूरज यहाँ खासतौर से राहतगढ़ में तो नहीं होता और सर्दी से बचने के लिए अलाव लगे हुए हैं, प्राइवेट अलाव है और आफ्ताब का। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।